हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बच्चाओ क्लासेस। आई एम बच्चाओ सर, डायरेक्टर ऑफ बच्चाओ क्लासेस। बच्चों लोग, वी आर स्टडिंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स टू, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। बच्चों लोग, वी हैव फिनिश्ड आवर प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2, एंड नाउ वी आर स्टडिंग द कंसेप्ट्स आफ्टर प्रैक्टिस सेट 1.2। In previous lecture, we have seen conditional statements and converse. Look, in previous lecture, we have studied about conditional statements and converse. But look, see. Diagonals of rectangle are congruent. This is plain statement, plain property. मतलब इसको हम convert कर सकते हैं conditional statement में. Conditional statement means the statement form by using if and then. If statement में if then form का statement है तो उसको बोलते हैं हम conditional statement। चलो इसको conditional statement में convert करते हैं। Diagonals of rectangle are congruent। बच्चों लोग, properties of diagonals, diagonals are congruent। बच्चों लोग, diagonals are congruent when if the quadrilateral is rectangle। Diagonals congruent होंगे कब? अगर वो rectangle होगा तो बच्चों लोग, इसको हम ये प्रॉपर्टी डायगोनल्स की है, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन इफ इट इज रेक्टेंगल। तो इसको इफ एंड देन फॉर्म में कंडीशनल स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल देन एंड देन डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल, इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल, if the given quadrilateral is rectangle, then चलो diagonals are congruent कब? If the quadrilateral is what? Rectangle. If the given quadrilateral is rectangle, then its diagonals are congruent. तो जो ये हो गया अपना इफ देन वाला स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। बच्चों लोग, कंडीशनल स्टेटमेंट का जो भी पार्ट फॉलोड बाय इफ होता है, मींस इफ के बाद में और देन के पहले, इफ के बाद में जो पार्ट आता है, इफ के बाद में, इफ और देन के बीच में जो पार्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों लोग? एंटीसीडेंट। उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। जो पार्ट फॉलोड बाय इफ, इफ के बाद में आता है, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंड द पार्ट फॉलोड बाय देन इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्सिक्वेंट। उसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। तो बच्चों लोग, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, अगर हम इन दोनों पार्ट्स को इंटरचेंज कर देते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में, अगर इन एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को, मीन्स द पार्ट फॉलोड बाय इफ एंड द पार्ट फॉलोड बाय देन, इफ वी इंटरचेंज देयर पोजीशंस, देन द स्टेटमेंट फॉर्म इज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। कॉन्वर्स मीन्स बच्चों लोग, उल्टा स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट दिया है उसका उल्टा स्टेटमेंट कर दिया, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट की पोजीशन चेंज कर दी, तो जो नया स्टेटमेंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग? कॉन्वर्स बोलते हैं। बच्चों लोग, चलो ज्योमेट्री, दैट इज मैथ्स पार्ट टू, डेवलप करने में बच्चों लोग, हम जो भी ज्योमेट्री आज पढ़ रहे हैं वो है मैथमेटिशियन, वो भी ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड की देन है बच्चों लोग। ये सब यूक्लिड वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, बच्चों लोग, जो हो गया है
300 साल पहले ऑफ बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियन एरा की जब बिगिनिंग हुई उसके भी पहले 300 साल पहले ये यूक्लिड साहब हो गए हैं। यूक्लिड मतलब ज्योमेट्री जो भी डेवलप हुई है तो चलो उसका क्रेडिट सब जाता है यूक्लिड साहब को। उनकी फोटो भी, उनकी पिक्चर भी दी है आपकी बुक में। यूक्लिड ग्रीक मैथमेटिशियन एंड व्हेन ही वाज लिविंग 300 इयर्स बिफोर स्टार्टिंग द क्रिश्चियन एरा, मींस बच्चे लोग आज से 2300 साल पहले, आज से 2300 साल पहले यूक्लिड मैथमेटिशियन हो गए हैं। बच्चे लोग तब भी ज्योमेट्री बहुत ही अच्छी स्टेज में थी, लेकिन क्या अगर किसी प्रॉपर्टी को बोला, किसी स्टेटमेंट को किया तो सब मैथमेटिशियन बोलते थे प्रूफ, प्रूव दैट प्रॉपर्टी, उसको कुछ सपोर्ट दो, उसको प्रूव करो। तो बच्चे लोग ये तो इम्पॉसिबल था हर एक प्रॉपर्टी प्रूव करना। तो बच्चे लोग यूक्लिड द ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन, उन्होंने एक कंसेप्ट मैथमेटिशियंस के सामने रखी, जो भी उस टाइम के मैथमेटिशियंस थे उनके सामने एक कंसेप्ट रखी कि कुछ स्टेटमेंट जो बहुत ही सिंपल है, कुछ प्रॉपर्टी जो बहुत ही सिंपल है, उसको हम सपोज करते हैं कि दैट दे आर ट्रू विदाउट प्रूविंग देम दैट दे आर ट्रू। कंसीडर फ्यू प्रॉपर्टीज विदाउट प्रूविंग दैट दे आर ट्रू, बिकॉज बच्चों को प्रॉपर्टीज ही वैसी है, सिंपल है, उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, उसको हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि infinite number of lines can be drawn from a given point. एक single point से बच्चों लोग, single point से we can draw what? Infinite number of lines. We can draw infinite number of lines passing through one given point. तो बच्चों लोग इसको कैसे prove करेंगे हम? लेकिन practically we can draw the lines. ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, और भी आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल ज्योमेट्री का स्टेटमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट दिया है तो उसमें से बच्चों लोग हम कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो कुछ सैंपल की है, और भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चे लोग ऐसी जो भी सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है जिसको हम प्रूव किए बिना सपोज कर सकते हैं कि यस दिस प्रॉपर्टीज आर ट्रू विदाउट प्रूविंग देम, दिस प्रॉपर्टीज यूक्लिड कॉल देम एज पोस्टुलेट्स। और बच्चे लोग ज्योमेट्री की प्रोग्रेस शुरू हुई इन पोस्टुलेट से। अगर ये पोस्टुलेट को भी अगर हम बोलते कि प्रूव देन अदरवाइज वी विल नॉट एक्सेप्ट, तो बच्चे लोग ये ज्योमेट्री डेवलप हो ही नहीं सकती। तो यूक्लिड ने, मैथमेटिशियन यूक्लिड ने पहले ये कंसेप्ट रखी कि चलो कुछ प्रॉपर्टीज विदाउट प्रूविंग लेट अस सपोज देम एज ट्रू, और उसको उसने नाम दिया क्या? पोस्टुलेट। और तब से बच्चे लोग ज्योमेट्री डेवलप हुई। तो ज्योमेट्री का क्रेडिट किसको जाता है? तो यूक्लिड को, यूक्लिड ग्रीक मैथमेटिशियन। तो बच्चों लोग चलो कुछ पोस्टुलेट्स जो यूक्लिड ने सपोज किए हैं। बच्चों लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी यही सामने बोर्ड के, फर्स्ट पोस्टुलेट, देर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, देर आर इनफाइनाइट लाइंस, there are infinite lines passing through a given point. इसको हम प्रूव किए बिना क्या सपोज करेंगे? yes it is true।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट। बच्चों लोग सेकेंड पोस्टुलेट, टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस कैन यू ड्रॉ इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। You are given two points. Now try to draw maximum number of lines. So, chalo, from two given points, we can draw one and only one line. From two given points, we can draw one and only one line. So, chalo, second postulate hai, there is one and only one line. There is one and only one line. There is one and only one line passing through two given points. सोचो बच्चों लोग अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो सिर्फ क्या प्रैक्टिकल प्रूफ ही ले सकते हैं? Take two points on your paper and draw number of lines passing through them. You will find that we can draw one and only one line passing through two points. तो बच्चों लोग ये second postulate. There is one and only one line passing through two given points. What is postulate? Geometrical properties which we have supposed true without giving proof. बच्चों लोग this is postulate number two. There is one and only one line passing through two given points. But chalo, third, a circle of given radius can be drawn taking any point as center. The circle of given radius. Circle of given radius can be drawn taking any point as center. Circle of given radius. You can draw circle of given radius taking any point as center. Center कहीं भी लो, आप given radius का circle draw कर सकते हो. We can draw circle of given radius taking any point as center. तो ये था अपना third postulate. बच्चों लोग fourth postulate. All right angles are congruent. Right angle किसको बोलते हैं बच्चों लोग? Right angle. Angle whose measure is what? 90 degree. Angle whose measure is 90 degree. देखो ये भी angle है. Its measure is also 90 degree. तो बच्चों लोग all right angles are congruent. Right angle है measure कितना है? 90. Right angle है measure कितना है? 90. तो बच्चों लोग ये all right angles are what? Congruent. कुछ लोग सोचेंगे अभी सर ये तो छोटा एंगल है ये तो बड़ा है. बच्चे लोग छोटा बड़ा एंगल उसके लेंथ ऑफ आर्म्स पे नहीं डिपेंड करता, बिकॉज लेंथ ऑफ आर्म्स दिस आर्म्स आर रेज दे आर गोइंग टू इंफिनिटी. ये रे यहां रुका हुआ नहीं है, ये रे हमेशा क्या, इट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. इट इज रे, ये यहां रुका नहीं है. तो बच्चे लोग भले मैंने ये छोटा निकाल दिया जानबूझकर, क्यों? तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए. एंगल इज फॉर्म बाय रे एंड रे इज गोइंग टू इंफिनिटी. तो ये छोटा एंगल नहीं है, ये बड़ा एंगल नहीं है. ये एंगल का मेजर 90 है, इस एंगल का भी मेजर 90 है. तो बच्चों लोग ये दोनों एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. छोटा बड़ा नहीं, ये भले छोटा है लेकिन बना किससे? रे से. एंड रे आर रे इज वॉट? इनफाइनाइट. इट इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी. तो बच्चों लोग ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. Our fourth postulate is all right angles are congruent.
चलो चलो लेट अस सी फिफ्थ पोस्टुलेट। चलो फिफ्थ पोस्टुलेट, इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस एड अप टू लेस देन टू राइट एंगल्स, मींस सपोज देयर एडिशन इज लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द लाइंस प्रोड्यूस्ड इन दैट डायरेक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर। चलो what is the postulate, if two interior angles formed by one transversal of two lines, suppose bachche log this is another line and bachche log this is transversal, transversal means the line which intersects other two lines. Now suppose bachche log this is transversal line, n is transversal of line l and line m, line n is transversal of line l and line m, and bachche log these angles are called as interior angles, this pair is also angles of angles interior angles, these two are interior, these two are also interior, and what the postulate says, if two interior angles form on one side of transversal, one side means interior angles of same side, suppose these two they are in the same side and these two they are also in the same side, and if two interior angles formed by one side of transversal of two lines add up to less than two right angles, which is less than two right angles, two right angles, right angle ka major hota hai bachcho log 90, right angle ka major hota hai 90, to two right angles ka major kitna hoga bachcho log 180 degree, means what the postulate says, if sum of two interior angles is less than two right angles means less than 180, if sum of the interior angles is less than 180, then the lines, the given lines, if we produce, then bachche log they intersect each other, they will intersect each other, then the lines produced in that direction intersect each other, if these interior angles, sum of these two is less than two right angles, means less than 180, then these lines intersect each other if we produce them. तो चलो ये था अपना फिफ्थ पोस्टुलेट, चलो और भी थ्योरी बाकी है उसको देखते हैं। तो चलो द प्रॉपर्टीज विच वी कैन प्रूव लॉजिकली, द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी विच वी कैन प्रूव logically it's called as theorem, मतलब जो भी property है जिसको हम prove कर सकते हैं, true property जिसको हम prove कर सकते हैं logically, तो उसको बोलते हैं चलो theorem, theorem is what important geometrical property, मतलब जो भी कम important properties है, जो थोड़ी less important properties होती है geometry की उसको बोलते हैं कोरोलरी, थ्योरम इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी कोरोलरी, अ प्रॉपर्टी विच इज लिटल लेस इंपॉर्टेंट देन थ्योरम, इसको बोलते हैं बच्चों लोग कोरोलरी। बच्चों लोग थ्योरम या प्रॉपर्टी अगर वो प्लेन प्रॉपर्टी दी है तो उसको बनाएंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट, उसको कंडीशनल स्टेटमेंट बना लेंगे, और कंडीशनल स्टेटमेंट में जो भी इफ के बाद आता है पार्ट उसको बोलते हैं हम एंटीसिडेंट, जो देन के बाद आता है उसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। तो बच्चे लोग थ्योरम में जो भी इफ के बाद पार्ट आएगा उसको बोलेंगे हम गिवन, उसको बोलेंगे गिवन, गिवन इज बच्चे लोग व्हाट इट इज नथिंग बट एंटीसिडेंट, द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोड बाय इफ, इफ के बाद आने वाला पार्ट जिसको बोलेंगे हम गिवन,
किसी भी थ्योरम में जो इफ के बाद पार्ट आएगा उसको बोलेंगे गिवन, जो देन के बाद पार्ट आएगा उसको हमें प्रूव करना होता है तो उसको बोलेंगे टू प्रूव। तो चलो, किसी भी थ्योरम में जो इफ के बाद पार्ट है उसको बोलते हैं गिवन, जो देन के बाद पार्ट आता है उसको बोलते हैं टू प्रूव, एंड द मेथड विच वी एंड द मेथड बाय विच वी प्रूव द थ्योरम इज कॉल्ड एज प्रूफ, द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट विच वी डू फॉर प्रूविंग द थ्योरम इज कॉल्ड एज प्रूफ। तो वो चलो थ्योरम के अंदर अभी कौन कौन सी चीजें आएंगी और उसको प्रूव करने के लिए हमें फिगर भी जरूरी होगी, तो फिगर भी ड्रॉ करते रहेंगे। तो बच्चों लोग, किसी भी थ्योरम को प्रूव करना है तो हमें यूज करना होगा या पाथ फॉलो करना होगा, थ्योरम देखकर गिवन लिखना पड़ेगा, टू प्रूव लिखना पड़ेगा, प्रूफ लिखना पड़ेगा, प्रूफ इज व्हाट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और बच्चों लोग क्या हमें फिगर भी लगेगी। तो थ्योरम प्रूव करने के लिए गिवन, टू प्रूव, प्रूफ एंड फिगर की जरूरत होगी। और बच्चों लोग, थ्योरम इज व्हाट, थ्योरम इज जस्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। What is corollary? It is little less important property than theorem. Then given in if theorem is converted into conditional statement. If theorem को हमने conditional statement में convert कर दिया, तो जो भी if के बाद part आएगा उसको बोलेंगे given, जो भी then के बाद part आएगा उसको बोलेंगे to prove, और जो logical way है prove करने का, जो arguments हम करेंगे prove करने के लिए उसको बोलेंगे proof, और जरूरत होगी फिगर के भी। बच्चे लोग, थ्योरम प्रूव करने के दो तरीके हैं, एक फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के दो तरीके हैं बच्चे लोग, वन इज डायरेक्ट मेथड, वन इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जिसको भी प्रूव करना है उसको कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स करते करते डायरेक्ट प्रूव करना होता है, उसको ट्रू सपोज करके ही प्रूव करना होता है, गिवन को यूज करके और जो भी हमने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ के रखी होती है उसको यूज करके अगर हम प्रूव करते हैं तो वो होती है डायरेक्ट मेथड। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में बच्चे लोग, जो भी प्रूव करना है उसको हम रॉन्ग सपोज कर लेते हैं, उसको पहले इनकरेक्ट बनाते हैं और वो ट्रू है ऐसा सपोज करते हैं, जिसको प्रूव करना है उसी स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाकर उसको सपोज कर लेते हैं और आगे चल के कॉन्ट्राडिक्शन बन जाती है किसी दूसरी प्रॉपर्टी से। कॉन्ट्राडिक्शन बनती है तो हमें बोलना पड़ता है बट दिस कॉन्ट्राडिक्स विद दिस एंड दिस प्रॉपर्टी, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो अपना सपोजिशन रॉन्ग है तो जो था वो करेक्ट था। तो बच्चे लोग, इनडायरेक्ट मेथड में क्या, जिसको भी प्रूव करना होता है उसको इनकरेक्ट करके उसको रॉन्ग करके आगे बढ़ना होता है। डायरेक्ट मेथड में जो प्रूव करना है वो ट्रू सपोज करके ही चलते आगे, इनडायरेक्ट मेथड में जिसको प्रूव करना है उसको गलत करके सपोज करना होता है और आगे प्रूफ लिखना होता है। तो चलो बच्चों लोग, लेट अस स्टार्ट प्रूफ द थ्योरम्स। अभी 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट थ्योरम, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। दिस इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द थ्योरम्स। चलो, क्योंकि हमें बुक के अंदर कम से कम हंड्रेड्स में प्रूफ्स देखने हैं एंड वी आर गोइंग टू प्रूव आवर फर्स्ट थ्योरम। तो चलो बच्चों लोग, थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं, लेट अस स्टडी। बच्चों लोग, आवर फर्स्ट थ्योरम, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, the opposite angles formed by two intersecting lines are of equal measures. So, this is geometrical property, important property ko hum bolte hain theorem. So this is what theorem, theorem means important geometrical property. So, theorem, the opposite angles formed by two intersecting lines, opposite angles formed by two intersecting lines are of equal measures. तो बच्चे लोग, थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें जरूरत होती है गिवन की, टू प्रूव की और प्रूफ की। गिवन लगेगा, टू प्रूव लगेगा और प्रूफ भी लगेगा, फिगर भी लगेगी। तो चलो बच्चे लोग, लेट अस राइट गिवन
गिवन के बाद आएगा मतलब टू प्रूफ, टू प्रूफ के बाद आएगा प्रूफ। चलो गिवन टू प्रूव प्रूफ और फिगर भी लगेगी। ओके मतलब गिवन किसको बोलते हैं? तो गिवन बोलते हैं हम एंटीसीडेंट को, मींस जो पार्ट इफ के बाद आता है। टू प्रूव किसको बोलते हैं? द पार्ट फॉलोड बाय देन, देन के बाद आने वाला पार्ट। तो चलो ढूंढो यार इफ और देन कहां है, इफ और देन कहां है उसको ढूंढो। तो इफ देन तो नहीं है बच्चों, इट इज प्लेन स्टेटमेंट। तो प्लेन स्टेटमेंट है तो इसको पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लेन स्टेटमेंट है लेकिन इसको हम कंडीशनल में कन्वर्ट करते हैं। द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स। बच्चों ही इज टेलिंग दैट अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स। ही इज टेलिंग द प्रॉपर्टी दैट अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स, लेकिन कब? इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, if two lines are intersecting। But look, property says opposite angles are of equal measures, लेकिन when? If the lines are intersecting। तो बच्चे लोग ये property true होने के लिए हमें वो lines कैसी चाहिए? Intersecting line चाहिए। Means if and then में हम कैसे convert करेंगे? If two lines are intersecting each other, if two lines are intersecting each other, then the opposite angles are of equal measures। If then में बच्चों लोग ये स्टेटमेंट कैसे जाएगा? If two lines intersect each other, then opposite angles are of equal measures। तो बच्चों लोग हमें two intersecting lines लगेगी, two intersecting lines। नाम चलो दिस आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज दिस इज लाइन ए बी, दिस इज लाइन सी डी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओके चलो गिवन हमें प्रूव करना है, थ्योरम बोलता है अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स, अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन कब? इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। चलो इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन द अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स। इफ के बाद आने वाला पार्ट क्या है? चलो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, गिवन में क्या आएगा? टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अभी फिगर देख के लिखना है गिवन। लाइन ए बी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, एंड लाइन सी डी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो चलो लाइन ए बी एंड सी डी आर वॉट? इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। और बिटवीननेस भी दे देते हैं, ए के बाद आएगा ओ, ओ के बाद बी। बिटवीननेस इज ओ इज बिटवीन ए एंड बी, देन सी ओ डी मींस ओ इज बिटवीन सी एंड डी। चलो गिवन तो हो गया, गिवन मींस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट आफ्टर इफ। नाउ टू प्रूव, टू प्रूव मींस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट आफ्टर देन। If two lines intersect each other, then the opposite angles are of equal measures. Then the opposite angles are of equal measures. Opposite angles का measure equal होता है। तो बच्चों लोग opposite angles किसको बोलते हैं? Opposite angles, these two angles are called as opposite angles. और these two are also opposite angles. ये दोनों opposite angle की pair है, वैसे ये भी opposite angle की pair है। तो बच्चों लोग हमें क्या? अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स, मींस एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी, एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी एंड एंगल एओडी, एंगल एओडी इक्वल टू एंगल एओडी का अपोजिट कौन सा होगा? से आइदर सीओबी और बीओसी। एंगल को हम कैसे रीड करते हैं? एंगल सीओबी इस साइड से वर्टेक्स को बीच में रखकर, एंगल सीओबी या उस साइड से वर्टेक्स को बीच में रखे, एंगल बीओसी, एंगल सीओबी, एंगल एओसी, एंगल सीओए। तो बच्चों एंगल एओडी एंड बीओसी आर आल्सो
अपोजिट एंगल्स एंगल एंड दे आर ऑफ इक्वल मेजर्स. इन शॉर्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इज अपोजिट एंगल्स. तो चलो चलो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, फिगर हो गई ऑफ प्रूफ मींस द लॉजिकल आर्गुमेंट हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट. तो चलो प्रूफ. नाउ चलो फॉर प्रूविंग दिस आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस एनी मिडल एंगल. इसकी या इसकी मैं हेल्प ले लूंगा. तो चलो आई विल टेक हेल्प ऑफ वन मोर एंगल. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस एंगल और दिस एंगल. नाउ चलो आई विल राइट टू इक्वेशंस. सम ऑफ दिस टू इज 180. व्हाई? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. इन एट वी हैव स्टडी दैट मेजर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180. सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180. तो बच्चों लोग ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो उनका मेजर कितना होगा? 180. वैसे ही ये दोनों एंगल भी क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर. तो इन दोनों के भी सम क्या होगी? तो 180. तो चलो व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव टेकन हेल्प ऑफ दिस मिडल एंगल. आई हैव टेकन और प्रूविंग दिस टू कॉन्ग्रुएंट. फॉर प्रूविंग दिस टू कॉन्ग्रुएंट, दिस टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट और से इक्वल मेजर्स, आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ दिस मिडल एंगल. वंस आई एम गोइंग टू राइट सम ऑफ दिस टू 180 and once I will write sum of these two 180. So, chalo chalo, simple two equations I am going to use. Angle AOC, angle AOC plus angle AOD, plus angle AOD equal to 180. This is our equation number one and reason is linear pair of angles. Linear pair of angles. और वन में से एंगल्स इन लीनियर पेयर. चलो वी हैव रिटन सम ऑफ दिस टू 180. नाउ लेट अस राइट सम ऑफ दिस टू 180. सम ऑफ दिस टू 180. एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी. Angle AOD means angle DOA also. Angle BOD means angle DOB also. Okay. Angle AOD plus angle BOD equal to what? 180. Equation number 2. Same reason. Linear pair of angles. Linear pair of angles. Now to look. Draw conclusion from 1 and 2. From 1 and 2. Wrong conclusion. मतलब दोनों इक्वेशंस के राइट साइड ऑब्जर्व करो. राइट साइड को ऑब्जर्व करो. राइट साइड इज व्हाट? 180. इक्वेशन 1 की भी राइट साइड वही है. इक्वेशन 2 की भी राइट साइड वही है. 180. मतलब इफ राइट साइड्स आर इक्वल देन लेफ्ट साइड्स आर आल्सो इक्वल. राइट साइड्स अगर इक्वल है 180 देन कंक्लूजन क्या रहेगा? चलो लेफ्ट साइड्स आर आल्सो इक्वल. एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी equal to angle AOD plus angle BOD. How we have drawn the conclusion? We have written equation 1 and 2 and we have observed that their RHS are same. If RHS are same, then their LHS are also same. And now see, bachalok, in this equation, angle AOD is present in both sides. इसको अगर इस साइड में लाते हैं तो प्लस का माइनस बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. इसको उस साइड में शिफ्ट करते हैं तो भी प्लस का माइनस बनेगा, कैंसिल. तो वो चलो इसको जगह पर ही हटा देते हैं. उसको बोलते हैं इलिमिनेटिंग एंगल एओडी. इलिमिनेट करना मीन्स हटा देना. तो चलो अगर एंगल एओडी दोनों साइड में है तो उसको इलिमिनेट करते हैं तो बचेगा चलो एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी. क्या किया हमने? एंगल एओडी को इलिमिनेट कर दिया. इलिमिनेटिंग एंगल एओडी एंगल एओडी को इलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया. तो बच्चे लोग अगर एंगल एओडी को इलिमिनेट कर दिया तो मिल गया हमें एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी, जिसको प्रूव करना था.
एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी। और बच्चों लोग सेकेंड पेयर को हम सेम टेक्निक से प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड पेयर है एंगल एओडी बीओसी, सेकेंड पेयर इज व्हाट, एंगल एओडी और बीओसी की है, एंगल एओडी और बीओसी की मीन्स दिस पेयर है एंगल एओडी एंड बीओसी। इस पेयर को अगर बच्चों लोग कॉन्ग्रुएंट या इक्वल मेजर का प्रूव करना है इस स्टेटमेंट को, तो हेल्प ले लो किसी एक की, इस साइड के एंगल की या इस साइड के एंगल की, इसकी हेल्प ले लेते हैं। समझो सेम टेक्निक, यूजिंग सेम टेक्निक वी विल राइट वंस सम ऑफ दिस टू 180, देन सेकंड इक्वेशन सम ऑफ दिस टू 180 एंड वी विल इलिमिनेट एंगल बीओडी बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बोथ द इक्वेशंस, दोनों की सम 180, इन दोनों की सम 180, ये निकल जाएगा। तो बच्चों लोग ये प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों लोग if we are using the same technique then we can say similarly we can prove, similarly we can prove, similarly we can prove angle AOD equal to angle BOC, angle AOD equal to angle BOC and say proved। तो बच्चों लोग थ्योरम प्रूव करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग मेथड। और बच्चों लोग हमें कम से कम ऐसे प्रूफ्स कितने हंड्रेड्स में प्रूव करने हैं इस साल में। तो बच्चों लोग ये था फर्स्ट प्रूफ, फर्स्ट थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी स्कूल के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है बिकॉज इट इज फर्स्ट थ्योरम ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ आवर बुक ऑल्सो, ऑल चैप्टर्स ऑल्सो। तो चलो चलो इसके बाद आता है प्रैक्टिस सेट 1.3, उसको सॉल्व करेंगे हम अगले लेक्चर में। बच्चों लोग अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो ये वीडियो लाइक करो, अपना चैनल है बच्चा क्लासेस उसको सब्सक्राइब करो, और तुम्हारे फ्रेंड जो भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनको भी अगर जरूरत है तो ये वीडियो क्या करो बच्चों लोग शेयर करो। तो चलो बच्चों लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।